Hey guys, welcome to my channel, You, Me and Kdrama में. तो हमारा ये एपिसोड यहाँ से शुरू होता है कि जी हू बड़ा तैयार होकर रेस्टोरेंट के बाहर रुका है क्योंकि उन्हें कूपन्स मिले हैं ट्रेजर हंट जीतने के बदले. सोडम आती है, उसे कहती है कि तुम बड़े तैयारी में दिख रहे हो, कहीं जा रहे हो. तो वो कहता है मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा. जब रेस्टोरेंट में उन्हें फ्राइड चिकन सर्व होते हैं तो सोडम अपने बैकपैक में से सॉसेस निकाल कर प्लेट में डाल रही होती है, जिसे देखकर जी हू पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो. तो सोडम कहती है ये मस्टर्ड सॉस है, ये स्वीट सॉस है. तो वो कहता है कि मुझे भी पता है कि ये सॉस है, लेकिन तुम इतना सब बैकपैक में लेकर क्यों घूमती हो. तो सोडम कहती है मुझे फ्राइड चिकन के साथ ये सब सॉस बहुत पसंद है. तो ये सुनते ही जी हू अपना जो ड्रमस्टिक होता है उसे देता है और कहता है तुम खाओ, तुम्हें पसंद है ना. और वो जब खा रही होती है तो जी हू की नज़र उसके लिप्स पे जाती है और उसे उस दिन वाली बात याद आती है जब सोडम ने जी हू को किस किया था. तो फिर वो उसे पूछता है कि तुम उस दिन ठीक थी ना. तो सोडम कहती है किस दिन. तो जी हू कहता है जिस दिन तुम बहुत ड्रिंक कर ली थी. तो वो कहती है कि हाँ वो दिन मैं तो भूल गई क्योंकि सारी चीज़ वो मैं नशे में थी और मुझे अब कुछ याद नहीं. तो ये सुनते ही जी हू जो ड्रम स्टिक उसे दिया होता है वो वापस लेता है और खुद खाने लगता है. क्लास में एक स्टूडेंट सभी को कहता है कि किसे वो इंटरनेट वाली लड़की की वीडियो देखनी है, उसने वीडियो बनाई होती है उसके लेग्स की. जिसे सुनते ही हैनुअल कहता है कि इसे डिलीट करो वरना मैं तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगा. तो वो स्टूडेंट कहता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या झगड़ा करना है मेरे साथ, और क्या तुम ओल्ड फैशन हो जो मुझे कह रहे हो कि ये डिलीट करने के लिए, या तुम ओल्डर गर्ल्स में इंटरेस्ट रखते हो. ये सुनते ही हैनुअल उसे मारता है और कहता है कि तुम ये डिलीट करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम मेरी माँ के साथ फिर से ऐसी हरकत करोगे. तभी जी हू हैनुअल को अलग करता है और बाहर लेके जाता है. फिर बताते हैं कि हैनुअल अकेला स्टेप पे बैठा है. तभी सोडम वहाँ पर आती है और उसके हाथ में बैंडेड करती है. जब वो स्कूल से निकलती है तो ये सोच रही होती है कि ये 16 ईयर्स ओल्ड में सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं जिसे हमें फेस करना होता है. और तभी उसकी नज़र जाती है जी हू और होम रूम टीचर पे जो आपस में बात कर रहे होते हैं, और होम रूम टीचर उसके बैग पे टैप कर रही होती है और बाय कहकर जाती है. जब भी वो भी निकलती है वहाँ से और जी हू भी उसे देख लेता है तो वो उसे आवाज़ देता है लेकिन वो रुकती नहीं है. तो वो कहता है जी हू कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो. तो सोडम कहती है हाँ ठीक है, तुम्हें सुनना है, तुम और होम रूम टीचर डेट कर रहे हो, तुम दोनों का कुछ रिलेशन है. तो वो कहता है कौन, वो राइनोसोर, अरे वो मेरी बड़ी सिस्टर है बायोलॉजिकल. ये सुनते ही सोडम सरप्राइज हो जाती है और अपने हाथ मुंह पे ही रख देती है और वो कहता है जी हू तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो, मेरे पूरे बॉडी पे कांटे आ गए ये सुनकर. तो वो कहती है सॉरी मैंने गलत किया ये. और ये दोनों को हैनुअल देख लेता है. इंटरनेट कैफ़े वाली जो गर्ल होती है जो हैनुअल की माँ भी होती है सब्जी खरीद रही होती है. तभी हैनुअल आकर उसके हाथों से बैग लेता है तो वो उसकी माँ उसकी चोट देख लेती है और कहती है तुमने फिर से फाइट किया, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए. तो हैनुअल कहता है ये ठीक हो जाएगी, मैं अपना देख लूँगा. और जब वो चलने लगते हैं तो हैनुअल की माँ उसके हाथों में हाथ डालती है, वैसे ही पीछे हो जाती है ये कहकर कि यहाँ भी बच्चे होंगे, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे. तभी हैनुअल उसका हाथ फिर से अपने हाथों में लेता है और मुस्कुराता है और फिर वो दोनों चलने लगते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग बताते हैं कि सोडम और बोना दोनों स्कूल जा रहे हैं. तभी सोडम कहती है अभी बहुत हो गया, डायरेक्ट शूट करना चाहिए. तो बोना कहती है हाँ तुम्हें तीनों में से एक तो चूज़ करना ही होगा, और वैसे तीनों में से बेस्ट कौन है. तो सोडम फिर सोचती है हैनुअल जिसने लिपस्टिक साफ़ की थी, या इन योग जिसने ट्रेजर हंट दिया था, या जी हू जिसे उसने किस किया था. तभी जी हू पीछे से आता है और उसकी बैग ले लेता है और कहता है इतना हेवी बैग लेकर घूमती हो, तुम्हारे शोल्डर पेन नहीं होते. तो बोना कहती है तुम्हें सुबह सुबह झगड़ा करना है. तो सोडम कहती है कि ये बड़ा दिखता है और इतना हेवी है नहीं.
तो जीहू कहता है क्लासरूम से ले लेना, मैं वहाँ पे छोड़ दूंगा, और चले जाता है। जीहू और इन हयुक लॉकर के सामने होते हैं, तभी जीहू मोबाइल में बिजी होता है। तभी इन हयुक उसे पूछता है क्या तुम्हारा कोई क्रश है। तो जीहू इन हयुक को पूछता है क्या तुम्हारा कोई क्रश है। तो इन हयुक कहता है हाँ मेरा क्रश सोडैम है। फिर बताते हैं कि क्लास में सोडैम जब आती है उसका बैग उसके बेंच पे रहता है और वो सोचती है कि जीहू को जो करना होता है वो वही करता है। और वो जैसे ही बैठती है उसे एक गिफ्ट मिलता है हार्ट शेप में जिस पे नाम नहीं होता। तो वो सोचती है किसने दिया है, ये हैनुअल ने तो नहीं दिया है, क्योंकि हैनुअल अकेला ही क्लास में तब होता है जब वो आती है। फिर तभी बोना आती है और उसे पूछती है क्या हुआ। तो वो उसे कहती है कि मुझे हेल्प करो ये सॉल्व करने के लिए। फिर वो लैडर गेम खेलते हैं कि जिसका नाम आएगा वो उसके साथ फर्स्ट डेट पे जाएगी। तब नाम आता है इन हयुक। फिर बताते हैं कि वो होटल में इन हयुक और सोडैम दोनों बैठे हैं। तभी सोडैम कहती है कि तुम्हारे वजह से मैं ट्रेजर हंट जीती हूँ और मुझे फ्राइड चिकन भी मैंने इंजॉय किया है, तो मैं तुम्हें ट्रेड कैसे नहीं करती। तभी भी लेकिन जो इन हयुक का बिहेवियर होता है वो बड़ा ही कोल्ड होता है। फिर वो सोचती है कि मैं डायरेक्ट ही इसे पूछ लूँ। फिर वो पूछने लगती ही है कि उस दिन पीई क्लास में तभी उनका खाना सर्व होता है। और फिर वो खाना सर्व लेने लगती है तभी उसे जीहू की याद आती है, क्योंकि जीहू ने उसे अपना फ्राइड चिकन दिया था। लेकिन यहाँ तो बहुत ही कोल्ड बिहेवियर होता है। और जब वो निकल रहे होते हैं रेस्टोरेंट से, तभी सोडैम सोचती है कि मैं ये मौका जाने नहीं दे सकती, मुझे इन हयुक को पूछना ही चाहिए क्या वो था जिसने मुझे कन्फेस किया था अपना फेस दिखाने से। इन हयुक ग्लास गेम खेल रहा है और सोडैम उसे चीयर अप भी कर रही है और वो टाइमिंग पे कंप्लीट भी कर लेता है। तो वो खुशी के मारे उसे हाई फाइव देने जाती है सोडैम। तभी उसे जीहू की याद आती है कैसे उसने भी हाई फाइव किया था जीहू को ट्रेजर हंट जीतने के बाद। और उन्हें एक गिफ्ट भी मिलता है सॉफ्ट टॉय जो बी का होता है, तो जिसे सोडैम लेकर कहती है थैंक यू मैं इसे याद रखूंगी। तो इन हयुक कहता है ये तुम्हें दे कौन रहा है। और तभी इन हयुक के मोबाइल में मैसेज आता है जीहू का कि तुम कहाँ हो, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम पीसी रूम में हो। और लेकिन इन हयुक उस मैसेज को इग्नोर करता है। और जब वो चल रहे होते हैं तो सोडैम सोच रही होती है कि मुझे जीहू की क्यों बार बार याद आ रही है, क्या वो ड्रंक किसके वजह से याद आ रही है। तभी वहाँ पे एक यूट्यूबर आता है जो लाइव होता है, लाइव वीडियो निकाल रहा होता है, और वो कहता है कि मेरा कंटेंट आज का कपल पे है, क्या तुम दोनों कपल है। तो वो ना कहते हैं फिर भी वो उनकी वीडियो निकालने लगता है, एटलीस्ट मेरे व्यूअर्स को हाय तो बोल दो। लेकिन इन हयुक सोडैम को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जीहू इन हयुक को ढूंढ रहा होता है। और फिर बताते हैं कि सोडैम और इन हयुक दोनों बेंच पे बैठे हैं। तभी इन हयुक सोडैम को पूछता है कि तुम बहुत सोच में हो, क्या ये जीहू के वजह से है। तो वो कहती है नहीं ये बात नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पूछना तो था तुमसे, क्या तुम पीई लेक्चर के टाइम पे जिस दिन तुमने अटेंड नहीं की थी क्या तुम थे वो। तो इन हयुक मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारे बालों पे कुछ है। तो वो पूछती है कहाँ, तो वो खुद निकालने जब जाता है तो पीछे से जीहू आके उसका हाथ पकड़ लेता है। हैनुअल और वो जो स्टूडेंट होती है उनका क्लीनिंग डे होता है और वो रिपोर्ट कर निकल ही रहे होते हैं। तभी हैनुअल सुनता है कि वो किसी से बात कर रही है कि यूट्यूबर सांगता है कि वीडियो में सोडैम है, क्योंकि वो डेट पर गई थी इन हयुक के साथ। तो ये सुनकर हैनुअल थोड़ा परेशान हो जाता है और अपना मोबाइल चेक करता है तो सच में उसके अंदर सोडैम होती है। आगे की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।